प्रकाश वलुंडा, नीलकंठ मांडव। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, इस मंदिर का नाम है जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये, जो कि यहाँ पर सुपासनाथ महाराज की आरती होती है शाम सुबह। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी गेट नहीं खुला है, बाकी ये 24 घंटा उपलब्ध रहता है। तो मेरे व्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं, वह गुजराती आते हैं, तो यहाँ पर रुक सकते हैं, और जो कि आपको कभी भी आओ तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में फैला देना। जय जोहार, जय आदिवासी। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ इधर बाहर बाहर का सीन। मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ये यहाँ के वर्कर है जो कि काम करते हैं यहाँ। ये पंडित जी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इधर आइए पंडित जी, आपसे थोड़ी जानकारी हम लेंगे। तो हमारे पंडित जी आपको बताएंगे यहाँ की जानकारी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आप बताइए यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? ये मांडवगढ़, ये बहुत प्राचीन तीर्थ है। और ये अपने जैनों के अंदर इसका महत्व है। और ये जैनों के अंदर, ये प्राचीन तीर्थों के अंदर माना गया है। ये मांडवगढ़, ये करीब ये 500-1000 साल पहले यहाँ पर 700 मंदिर घुमा करते थे जैनों के। और जो यहाँ के जो मंत्री थे, वो पेथरसा मंत्री जैन थे। तो ये राजा के मंत्री बनने के लिए यहाँ मांडवगढ़ आए। तो उनको कुछ यहाँ पर, ये आजू बाजू पूरा मांडू से जंगल एरिया है। जंगल के एरिया के अंदर से जो पेथरसा मंत्री है, उनको कुछ अंदर से जड़ी बूटी मिली थी। उसके द्वारा उनके पास में जो रोजाना उनका नियम था दीपक के अंदर घी डालने का, तो दीपक के अंदर घी डालते थे। तो मान लो के वो जड़ी बूटी से जो मटका पूरा लेके आया था कुछ बीचने के लिए, तो उसके नीचे जो ऊंडन थी, वो ऊंडन बोलते ना, वो ऊंडन थी, उसके ऊंडन, वो कोई वेल की जो जड़ी बूटी वेल की थी, उसके द्वारा जितना भी वो दीपक के लिए घी निकालते थे, इतना वापस वो मटका वापस भर जाता था। ऐसे उनके पास में अनगिनत धन संपत्ति, हीरा जवेरात, ये सोना चांदी, पूरा धनी था पेथरसा मंत्री। फिर उनके जो भी यहाँ पर जैन, मान लो के बाहर से जो भी जैन परिवार यहाँ पर बसने के लिए आते थे, उनको भी सोना मोर ईट वगैरह संपन्न बना के या मांडू के अंदर बसाते थे। तो ऐसे करते करते यहाँ पर एक टाइम पर 9 लाख लोगों की आबादी हुआ करती थी और 700 मंदिर थे। वो मुगल काल के अंदर फिर पूरे जो मंदिर थे वो नष्ट हो गए, के कुछ अंदर जमीन के अंदर गाड़ दिए। जो जितना भी मंदिर थे, उनकी प्रतिमाएँ, जो भगवान वगैरह थे, वो जमीन के अंदर गाड़ दिए। बाकी यहाँ पर अभी जो ये मांडू का जो अपने जैन मंदिर है फिलहाल में, वो पूरा इतिहास देखते हुए ये अभी 100 साल से प्राचीन मंदिर है। ये उसके अंदर अभी सुपासनाथ भगवान विराजमान है, वो भी 2500 वर्ष प्राचीन है और संप्रतिकालीन है। तो ये नीचे नीलवर्ण पार्श्वनाथ भगवान है, वो 3000 साल प्राचीन है। वो भी यहाँ MP के बडनगर के अंदर से कोई टोकरा करके गांव है, वहाँ पर खेत में खेड़ हल चलाता था। उनको ये नीचे के नीलवर्ण पार्श्वनाथ भगवान मिले, फिर उन्होंने बजरंग बली समझ के एक झाड़ के नीचे रख दिया। फिर अपने आप चमत्कार होने पे कोई अपने यहाँ जैन साधु वहाँ से निकल के जा रहे थे, तो मालूम पड़ा कि जैन प्रतिमा है। फिर मांडवगढ़ के अंदर नीचे लाके उनका विलेपन करा के यहाँ पर नीचे विराजमान किया। और इधर शांतिनाथ भगवान है मंदिर के पीछे, इनके पीछे है शांतिनाथ भगवान, जो कि वो यहाँ प्रॉपर राम लक्ष्मण सीता। और ये शांतिनाथ भगवान, ये भी कोई पुणा के अंदर वैष्णव धर्म के मोहन जी थे, उनको सपना दिया। वो मोहन जी यहाँ के धार के राजा को बताया कि धार राजा ने यहाँ पूरा जैन अजैन के साथ में मिल के आए, तो जो राम मंदिर के अंदर गर्भगृह है, वो गर्भगृह के अंदर से राम लक्ष्मण सीता और ये जैन मंदिर के शांतिनाथ भगवान एक साथ में निकले। उनको हाथी घोड़े के